नारायण हरि। हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस ए क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द यूपीएससी आईएएस सिविल सर्विसेज हिस्ट्री मेंस ऑप्शनल एग्जाम इन 2021। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस हिस्ट्री मेंस एग्जाम में। क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम दैट वाज स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश ऑफ दिल्ली सल्तनत तुर्क डायनेस्टी से, ने जो इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी सेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज्ड रूल देने में, या दिल्ली सल्तनत को जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन मिला, सेंट्रल रूल मिला, उसमें इक्ता सिस्टम की क्या इम्पोर्टेंस थी, ये क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कीवर्ड्स में व्हाट वाज इक्ता सिस्टम, इक्ता सिस्टम था क्या, एक तो ये हमें पहले पता होना चाहिए। और इसमें हमें दो सिस्टम्स को फॉलो करना होगा, एक इक्ता सिस्टम दैट वाज ऑफ द इल्तुतमिश एंड सेकंड वाज द फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म भी एक सिस्टम था और इक्ता सिस्टम भी एक सिस्टम था। इक्ता सिस्टम वाज ऑफ द इल्तुतमिश ऑफ द दिल्ली सल्तनत और फ्यूडलिज्म जो था वो राजपूत सिस्टम का था। तो राजपूत पीरियड जो था वो दिल्ली सल्तनत से पहले का पीरियड है, 1206 टू 1526 वाज द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। और उसमें 1206 से पहले का जो पीरियड है आफ्टर द डेथ ऑफ द हर्षवर्धन इन नॉर्थ इंडिया देयर वर डिफरेंट राजपूत डायनेस्टीज थी। तो 650 से 1206 तक का पीरियड आप बोल सकते हैं दैट वाज द राजपूत पीरियड। और राजपूत पीरियड्स में राजपूत रूलर्स ने जो अपनी गवर्नमेंट चलाई दैट वाज बेस्ड ऑन फ्यूडलिज्म। तो वो फ्यूडलिज्म की वजह से सेंट्रलाइज्ड रूल नहीं दे पाए पूरी कंट्री को, मतलब नॉर्थ इंडिया में एटलीस्ट जहां पर उनका रूल था। अदरवाइज साउथ इंडिया का जो टाइम पीरियड था उसमें साउथ इंडिया में राष्ट्रकूटास थे, चालुक्यास, चोल्स, पल्लव्स, इनका रूल था, लेकिन नॉर्थ इंडिया दैट वाज अंडर द राजपूत रूलर्स। एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्यूडलिज्म दे वर नॉट एबल टू गिव सेंट्रलाइज्ड रूल टू नॉर्थ इंडिया। और इस वजह से नॉर्थ इंडिया छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड हो गया था और सेंट्रल पावर कोई नहीं थी। इसी वजह से महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे अटैकर्स ने इंडिया पर अटैक किया और इंडिया की को प्लंडरिंग किया, लूटपाट की यहां से, और हमारी वेल्थ को लूट कर ले गए थे। तो हमें फ्यूडलिज्म को डिस्कस करना है कि फ्यूडलिज्म के अंदर क्या डिमेरिट्स थी, फ्यूडलिज्म सेंट्रलाइज्ड रूल नहीं दे पाया और वो सेंट्रलाइज्ड रूल अल्टीमेटली इक्ता सिस्टम के द्वारा वॉज गिवन बाय इल्तुतमिश। तो ये इस इक्ता सिस्टम की इंपॉर्टेंस थी जो हमें डिस्कस करनी है। तो फ्यूडलिज्म में वो राजपूत रूलर जो थे वो सेंट्रलाइज्ड रूल नहीं दे पाए, इक्ता सिस्टम ने सेंट्रलाइज्ड रूल दिया जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया। और सल्तनत पीरियड जो था ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, 1206 से 1526 था। राजपूत पीरियड जो था उसमें नॉर्थ इंडिया वॉज कम्प्लीटली डिवाइडेड इंटू डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेट्स। जैसे पाल्स जो थे, बंगाल में पाल्स का रूल था, चौहान का रूल था दिल्ली और अजमेर में, राठौर्स रूल कर रहे थे कन्नौज में, सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के अंदर, चंदेलास थे बुंदेलखंड में और परमार्स थे मालवा में। तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया इतनी सारी स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी डिवाइड था, इतना डिवीजन ऑलरेडी था। अब आप समझ लीजिए कि जब ये रूलर्स अपने अपने स्टेट्स के अंदर फ्यूडलिज्म फॉलो करेंगे तो वो स्टेट कितना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहले ही दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर इतने सारे रूलर्स रूल कर रहे हैं, तो ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी फॉरेन अटैकर्स के लिए। और फ्यूडलिज्म ने इस सिस्टम को और ज्यादा, इन स्टेट्स को और ज्यादा डिवाइड कर दिया। इसको कैसे डिवाइड कर दिया वो अभी हम लोग देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, तो राजपूत रूलर्स ने क्या फॉलो किया था, उन्होंने फ्यूडलिज्म फॉलो किया। अब फ्यूडलिज्म का मतलब क्या था यहां पर, कि जैसे मैंने भी आपको पहले स्टेट्स दिखाई, अब ये स्टेट्स के जो रूलर थे वो आपस में कॉन्स्टेंटली, उनके अंदर वॉर्स रहती थी, वो हमेशा वॉर करते थे। राजपूत बहुत ब्रेव रूलर्स थे और किसी भी तरह से वो मुस्लिम से, मुगल रूलर से कम नहीं थे। बस उनके साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो यूनाइट नहीं थे, बस यही उनके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, अदरवाइज ब्रेवरी में उनका कोई मुकाबला नहीं था। तो अब इनके जो रूलर्स थे वो वीक हो गए क्योंकि इनके पीछे कॉन्स्टेंट वॉर होती थी और उन्होंने फ्यूडलिज्म फॉलो करना शुरू कर दिया। अब इसमें आपको इस तरह से समझ सकते हैं आप फ्यूडलिज्म को, जैसे मान लीजिए एक राजपूत रूलर है, कोई भी एक राजपूत रूलर, फॉर एग्जाम्पल ए है। अब उस ए राजपूत रूलर ने
फ्यूडलिज्म के अंदर इन्होंने क्या किया, इनकी जो, क्योंकि जब ये वीक हो गए थे, कॉन्स्टेंट वॉर होती थी इनके अंदर, तो अब ये वीक रूलर्स अपने एरिया को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से उन्होंने अपनी स्टेट्स को, अपनी जागीर्स को फ्यूडल लॉर्ड्स में डिवाइड करना शुरू कर दिया। अब हमसे तो ये स्टेट संभलती नहीं है, हम आप इस एरिया को संभालिए, तो उन्होंने अपनी स्टेट्स को फ्यूडल लॉर्ड्स को, जो फ्यूडल लॉर्ड्स के अंदर उस टाइम के जो अपर क्लास पीपल थे, जो रिच और वेल्दी पीपल थे, उनको और अपने नियर रिलेटिव्स को इन्होंने अपनी लैंड डोनेट करनी शुरू कर दी, और उस बोला कि अब इस लैंड से आप रिवेन्यू कलेक्ट करें और अपना मिलिट्री का खर्चा और अपने एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा उस रिवेन्यू से आप लोग निकालें, और हमें उसके बदले में ईयरली एक फिक्स्ड अमाउंट देते रहें। जैसे मान लीजिए एक ए रूलर है राजपूत, उसने अपने स्टेट के चार पार्ट कर दिए, और ये FL का मतलब यहां पर है फ्यूडल लॉर्ड, तो ये डिफरेंट फ्यूडल लॉर्ड्स को उसने अपनी स्टेट डिवाइड कर दी। फर्दर इन फ्यूडल लॉर्ड्स ने क्या किया, सब फ्यूडल लॉर्ड्स, अब इन फ्यूडल लॉर्ड्स ने भी उस स्टेट को कुछ पोर्शन अपने पास रखा और सब फ्यूडल लॉर्ड्स को दे दिया, सब फ्यूडल लॉर्ड्स ने फिर स्टेट को डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया ऑलरेडी डिवाइडेड था, अब इस तरह से ये स्टेट जो थी फ्यूडल लॉर्ड्स और सब फ्यूडल लॉर्ड्स के अंदर डिवाइड होते होते आप समझ सकते हैं कि कितने छोटे 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 रूलर हो चुके होंगे नॉर्थ इंडिया में इस पर्टिकुलर टाइम में। और इसके बाद इसकी डिमेरिट क्या निकल कर आई कि ये जो सब फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ये इस ए को, जिसने इनको, जो इनका रूलर था, उसके लिए लॉयल नहीं होते थे, क्योंकि ये इनको सैलरी नहीं दे रहा, तो ये इनके जो इमीडिएट होते थे ये इनको लॉयल थे, और ये अपने इमीडिएट को लॉयल होते थे। तो अब इनके बीच में भी खुद इनके बीच में क्या समझते हैं, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं, इनके बीच में भी वॉर्स होती रहती थी। तो आप समझ रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया ऑलरेडी कितने पार्ट में डिवाइड था। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू बंगाल, दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, मेवाड़, बुंदेलखंड, मालवा, इस तरह से डिवाइड था। अब उसमें हर स्टेट में इतने फ्यूडल लॉर्ड्स और सब फ्यूडल लॉर्ड्स वो एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं, किंग को, और वो किंग को लॉयल नहीं है। इनिशियली तो किंग ने बोला था कि ये जो फ्यूडलिज्म है ये हेरिडिटरी बेस्ड नहीं होगा, किंग उनकी स्टेट को वापस ले भी सकता था इनिशियल स्टेजेस में, लेकिन बाद में जाकर किंग वीक होता चला गया और फ्यूडल लॉर्ड्स पावरफुल होते चले गए, तो उन्होंने अपनी स्टेट को हेरिडिटरी बना लिया, अब किंग के हाथ में कुछ नहीं रहा। तो अब इस वजह से, अब यही वजह थी कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे अटैकर्स ने हमारी कंट्री के ऊपर अटैक किया और कंट्री को लूट लिया। तो अटैक्स में महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी का इंपॉर्टेंट आता है। तो इन अटैक्स ने इंडिया की जो हॉलोनेस थी वो कम्प्लीटली एक्सपोज कर दी वर्ल्ड के सामने, और उसके बाद दूसरी और जो अटैकर्स थे वो इंस्पायर हुए इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए। तो जो डिसेंट्रलाइज स्टेट्स थी गॉट, अब इकता सिस्टम का इंपॉर्टेंस जो हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इस डिसेंट्रलाइज इंडिया को, नॉर्थ इंडिया को, इकता सिस्टम जो इल्तुतमिश लेकर आया, उसने रूल किया 1211 से 1236 तक, लंबा पीरियड था उसका, और उसने क्या किया, इसे पूरी जो छोटी छोटी स्टेट्स डिवाइड हो चुकी थी उनको उसने सेंट्रलाइज्ड रूल दिया। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट थी ये। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा भी है यूपीएससी ने कि डिस्कस कीजिए इकता सिस्टम की इंपॉर्टेंस को, कि इकता सिस्टम ने किस तरह से पूरी कंट्री जो डिसेंट्रलाइज्ड हो चुकी थी राजपूत रूलर्स के टाइम में, उसको कैसे सेंट्रलाइज्ड किया। तो इल्तुतमिश का जो रूल का जो एरिया था, इसमें इल्तुतमिश के पास जो एरिया था उसमें इम्पोर्टेंट एरियाज जो थे, रणथंबोर था, ग्वालियर, अजमेर, बयाना, जालोर राजस्थान में, मांडेर, कालिंजर, कन्नौज, बनारस, मालवा, उज्जैन, इन सब एरिया को उसने कंबाइंड कर लिया, यूनाइट किया। कैसे, उसने अपने एम्पायर को प्रोविंसेस और इकताज में डिवाइड किया पहले, और उसके बाद इकता को रखा उसने एक पर्टिकुलर ऑफिशियल जिसको नाजिम बोला जाता था, तो नाजिम को, इकतास फर्दर डिवाइड थे शिक्स में अंडर द शिकदार, शिक को डिवाइड किया परगनाज में अंडर द अमीर्स, एंड परगनाज वर डिवाइडेड इनटू द विलेज अंडर द विलेज हेडमैन, पटवारी और चौकीदार। तो ये जो ऑफिशियल्स थे, इस तरह से उसने क्या किया, अपने एम्पायर को डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, और उन प्रोविंसेस को बोला गया इकता, और हर इकता वॉज अंडर वन इकतादार जिनको नाजिम, मुक्ता और वलीज भी बोला जाता था। अब इसमें क्या होता था कि विलेज, इसमें सेंट्रलाइज्ड रूल होता था पूरा। जैसे विलेज हेडमैन जो था, जो पूरे विलेज से उसने रिवेन्यू कलेक्ट किया और परगना वाले को दिया, परगना ने शिकदार को दिया, और शिकदार ने एकता को दिया, और इस तरह से एम्पायर तक पूरा रिवेन्यू पहुंचता था। तो एम्पायर में
जैसे हमने अभी देखा था राजपूत स्टेट्स में क्या था कि उन्होंने तो उसमें किंग को एक फिक्स्ड अमाउंट मिल जाता था और उसके बाद किंग का कोई इंटरफेयर नहीं होता था और अपने मन मर्जी से फ्यूडल लॉर्ड्स रूल चलाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर जो एम्पायर था वो डिवाइड हुआ था इकताज में, शिक में, परगनाज में और विलेज में डिवाइड हुआ था। और यहाँ के जो रूलर्स थे, चाहे वो शिकदार हो, अमीर हो, विलेज हेडमैन हो, नाजिम वली मुख्ताज हो, उन लोगों को अपना रिवेन्यू, अपना जो जो जितना रिवेन्यू वो अपने अपने एरिया से कलेक्ट करते थे उसको वो उसको अपनी मिलिट्री की सैलरी देते थे और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करते थे उस पैसे से जो रिवेन्यू वो अपने अपने एरिया से कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे नाजिम ने, वली और मुख्ताज ने अपने इकता से जो रिवेन्यू कलेक्ट किया, शिकदार ने अपने शिक से जो रिवेन्यू कलेक्ट किया, अमीर्स ने जो रिवेन्यू अपने परगना से कलेक्ट किया, उस रिवेन्यू को वो अपने एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च करते थे और जो पैसा बच जाता था उसको वो रॉयल ट्रेजरी के अंदर जमा करवाते थे। जो कि हम लोगों ने देखा है राजपूत का जो सिस्टम था जिसमें हम लोगों ने फ्यूडलिज्म देखा, फ्यूडल सिस्टम में वहां पर ऐसा नहीं था। तो ये इस वजह से इकताज सिस्टम की वजह से विलेज, परगना, शिक और इकता पूरा कहीं ना कहीं किंग के कंट्रोल में थे, लेकिन फ्यूडल सिस्टम में हमने देखा था कि किंग के कंट्रोल में फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं थे। तो इस वजह से यहां पर सेंट्रलाइज रूल दे पाया इल्तुतमिश। तो जैसे कि हमने कंपैरिजन में किया कि इन फ्यूडलिज्म जागीर्स वर गिवन ऑन हेरिडिटरी बेसिस, तो फ्यूडलिज्म के अंदर जागीर जो दी गई थी वो हेरिडिटरी बेसिस पर, इनिशियली स्टेजेस में तो किंग ने बोला था कि ये जागीर जो है वो हेरिडिटरी बेस पर नहीं होंगे, लेकिन बाद में जब जो राजपूत रूलर से जो वीक हो गए और फ्यूडल लॉर्ड्स पावरफुल हो गए तो उन्होंने जागीर को अपने पास ही रखना शुरू कर दिया और किंग को उसमें से बिल्कुल कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया था। तो हेरिडिटरी सिस्टम था। इकता सिस्टम जो था वो ट्रांसफरेबल रखा लास्ट तक। इकता में इल्तुतमिश के पास पूरा राइट था कि वो किसी भी इकता को ट्रांसफर भी कर सकता है और उसकी लैंड को अपने सेंट्रल लैंड के अंदर दोबारा ले भी सकता है। इकता सिस्टम में हम एक चीज और देखते हैं कि इकता अगर हैड टू डिपॉजिट द रिमेनिंग रिवेन्यू, तो इस तरह से हमने देखा कि इकता सिस्टम के अंदर आते आते रिवेन्यू कलेक्ट होकर पूरा किंग तक पहुंच जाता था। तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि इकता सिस्टम वॉज वेरी मच मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू द सिस्टम ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ द राजपूत। दैट्स वाई एंड दैट वॉज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस इकता सिस्टम। इकता सिस्टम ने नॉर्थ इंडिया को पूरा कंट्री कंप्लीटली एक सेंट्रलाइज्ड रूल दिया अंडर द इल्तुतमिश एंड दैट वाज द नीड ऑफ आर। वो उस समय की बहुत मांग भी थी जिसको जिसको इकता सिस्टम ने फॉलो किया, हमने कंप्लीटली फुलफिल्ड किया था। ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज दैट। आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से अटेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।